जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने करंट अफेयर कुछ नए तरीके से बनाने की कोशिश की है। आपको ये बदलाव कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया है? तो ये किया है झारखंड सरकार ने। ठीक है, झारखंड सरकार ने एक विधेयक पास करके क्या किया है, वहां पे आरक्षण की सीमा को बढ़ा के 77% कर दिया है। ये भारत का मैप है, भारत के मैप में जो रेड वाला आपको डॉट दिख रहा है यही क्या है, हमारा झारखंड। झारखंड की जो स्थापना होती है ये बिहार से काट के होती है। ठीक है, बिहार से काट के होती है, डेट होती है 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को, और वर्ष होता है 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया जाता है। झारखंड की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, ये वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, ये वर्तमान राज्यपाल वर्तमान सीएम है। आप ये डेट देख के ना कन्फ्यूज होइएगा कि नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान में जो राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन है, और वर्तमान में सीएम यहाँ के हेमंत सोरेन है, और झारखंड की राजधानी रांची है। इसको 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया हमारा सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में भारतीय सेना ने पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया है। भारत के मैप में ये जो यहाँ पे आप लाल वाला डॉट देख रहे हैं एकदम ऊपर, ये डॉट, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिक्किम है, और इसकी जो राजधानी है ये है गंगटोक। ठीक, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। यहाँ के एकदम सीएम की बात करें, सीएम की यदि हम बात करें, यहाँ के सीएम है पीएस गोले। ठीक है, पीएस गोले यहाँ के सीएम है, तथा यहाँ के राज्यपाल जो है, राज्यपाल की बात करें तो यह है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है, मतलब सिक्किम के जो सीएम है पीएस गोले हैं, तथा श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है। सिक्किम की राजधानी क्या है, हमारी गंगटोक है, और सिक्किम में ही भारतीय सेना ने पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया है। सिक्किम में बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की एक सीट है, ठीक है, तथा राज्यसभा की भी एक ही सीट है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा जो अभ्यास आयोजित किया गया उसका नाम है स्काई लाइट। ठीक है, स्काई लाइट नामक एक अभ्यास आयोजित किया गया, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो क्वांटम प्रयोगशाला बनाया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला बनाया गया। भारत के मैप में एकदम मध्य में क्या है, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, एकदम मध्य में क्या है, हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही काट के छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ये एरिया क्या है छत्तीसगढ़ का, ये कब बनाया गया, 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर वर्ष 2000। 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे, एक छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरा झारखंड। झारखंड कब बनाया गया, 15 नवंबर, और उत्तराखंड को बनाया गया उत्तर प्रदेश से काट के 9 नवंबर। 1 नवंबर को बनाया गया छत्तीसगढ़ को, ठीक है, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से काट के बनाया गया उत्तराखंड को, 15 नवंबर को बिहार से काट के बनाया गया था झारखंड को। तो मध्य प्रदेश में सेना द्वारा हाल ही में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल। भोपाल इसकी क्या है, राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी, भोपाल। यहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान कौन है, ये मध्य प्रदेश के सीएम है, तथा मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली लेवल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मध्य प्रदेश में क्या है, स्कूली लेवल पे पढ़ाया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है? ठीक है, यदि किसी महिला का यौन शोषण होता था, या महिला आरोप लगाती थी कि हमारा यौन शोषण हुआ है, तो उसके लिए उसकी
पुष्टि के लिए टू फिंगर टेस्ट किया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी। ठीक है, टू फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? ठीक है, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल ने। ठीक है, किस राज्य ने शुरू की है? केरल ने। केरल कहाँ पे स्थित है? भारत के मैप में एकदम आप नीचे देखेंगे तो ये आपका केरल है। केरल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ठीक है, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, तथा आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान ये क्या है? केरल के राज्यपाल हैं। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ की राजभाषा जो है मलयालम। ठीक है, मलयालम यहाँ की राजभाषा है। ठीक है, अब केरल में एक तट है, क्या है? कालीकट। ठीक, कालीकट ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इतिहास में। कालीकट यहाँ पे कौन आया था? 1498 में आया था, 1498 में आया था वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा केरल के कालीकट तट पे आया था 1498 ईस्वी में, और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, अबू माजिद इसको मदद किया था यहाँ तक आने में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20, ठीक है, C20 का अध्यक्ष चुना है? तो केंद्र सरकार ने चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष जो है वो अमृता नंदमयी देवी को चुना है। ठीक, अमृता नंदमयी देवी को चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष केंद्र सरकार के द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, दूसरे की बात हो रही है, ठीक है, दूसरे की बात हो रही है, पहले के नहीं। अगर पहले की बात करें तो ये उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला वेद विश्वविद्यालय, पहला वेद विद्यालय खुला था, और दूसरा जो है ये पुरी, ठीक है, पुरी उड़ीसा में खोला गया है। ठीक है, भारत के मैप में आप देखेंगे इधर क्या है हमारा? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा में है पुरी, और वहीं पे खोला गया है भारत का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय। ठीक है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, और यहाँ का जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा ये क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो यह है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है, तथा गणेशी लाल, गणेशी लाल ये उड़ीसा के राज्यपाल है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, तथा गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, कहाँ पे? पुरी में ही। वहां की जो रथ यात्रा है विश्व प्रसिद्ध है, और दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय खोला गया पूरी उड़ीसा में, जबकि पहला उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला गया था। अगला प्रश्न हमारा है, 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई, ये रैंक 8वीं थी। ठीक है, भारत को कौन सी रैंक मिली? 8वीं। स्कोर कितना भारत ने किया था? 67.35। ठीक है, 63 देशों के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को 8वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 7वां जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया उसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। थीम का नाम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला प्रश्न है कि 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? उस संचार उपग्रह का नाम है LVM-3M2-1WAVE-India-1। ठीक है, LVM-3M2-1WAVE-India-1 ये क्या है? एक संचार उपग्रह जिसका सफल परीक्षण किया इसरो ने। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त मतलब आजादी वाले दिन होती है, और वर्ष होता है 1969, ठीक है, 1969 के साल में। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय है ये सिलिकॉन सिटी बंगलुरु है, बंगलुरु ये इसरो का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है, और बंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन सिटी ने सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तथा कर्नाटक को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। इसरो की जो पहली सैटेलाइट थी वो थी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट
इसको लॉन्च किया गया था 1975 में, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ये केवल 5 दिन काम किया था, 5 दिन बाद ये नष्ट हो गया, काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, यहाँ के जो निदेशक, इसरो के निदेशक की बात करें तो इसरो के निदेशक यश सोमनाथ, यश सोमनाथ इस समय इसरो के निदेशक हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व, ठीक है, कौन सा 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में खुला है, तराई हाथी रिजर्व। ठीक, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व है जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा लाल वाला क्या है, उत्तर प्रदेश है, ऊपर ये नेपाल से जुड़ा है, इधर बिहार, इधर फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही 9 नवंबर 2000 को काट के बनाया गया था। ठीक है, यहाँ के जो पहाड़ी जिले उनको काट के उत्तराखंड बनाया गया था। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 1 केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है हमारा? दिल्ली। ठीक, और यही भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। तो 33वां हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के नाम से। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी हैं। ठीक, योगी जी प्लस यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल जी हैं। ठीक है, आनंदी बेन पटेल जी ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। यहाँ पे अगर हम बात करें सीटों की, यहाँ पे विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। ठीक, विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। सीटों के मामले में चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे विधान परिषद की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की, इन सीटों के मामले में भारत उत्तर प्रदेश का नंबर एक स्थान है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है तथा क्षेत्रफल के आधार पर भारत उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे ये राजस्थान पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ये क्षेत्रफल में है जबकि जनसंख्या में पहले स्थान पे, जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन JJM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला 7वां राज्य कौन बन गया है? ये बना हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात 7वां राज्य बन गया है। नक्शे में आप देखेंगे तो यह जो लाल वाला अरब सागर की तरफ लटका हुआ है, ये हमारा क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात की राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी गांधीनगर है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। यहाँ के जो सीएम है, सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं, भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या है? सीएम है। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, भूपेंद्र पटेल सीएम है, आचार्य देवव्रत राज्यपाल है, राजधानी इसकी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। यहाँ पे क्या है, गुजरात में ही एक स्थान है गौर मोता, या कुछ लोग कहते हैं गुहार मोता। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि 67 डिग्री 8 मिनट पर स्थित है। ठीक है, सबसे पूर्व पश्चिमी बिंदु। सबसे पूर्वी की बात करें, यहाँ पे किवथु है अरुणाचल प्रदेश में, किवथु ये 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि स्थल पे है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहाँ पे इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पे। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पे ये सबसे पूर्वी किवथु 97.25, सबसे पश्चिमी गौर मोता 67.8 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी, ये स्थलीय की बात हो रही है। यदि सबसे दक्षिण की बात करें तो यहाँ बड़ा निकोबार में 6 डिग्री 40 मिनट। ठीक, 6 डिग्री 40 मिनट सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रकार आज अपने करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपको ये तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।